हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। अभी आए थे स्कूल की तरफ और बगल में पोखर भी खना रहा है, तो यहाँ पर जो एक जेसीबी जो है पूरा अंदर धस चुका है, दलदल में जमलाट है यहाँ बीच में। पहले जो वीडियो बना चुके थे, तो भाई चलिए अभी चलते हैं पोखर के अंदर में। देख सकते हैं अभी पूरा जेसीबी धसा हुआ है अंदर में। अभी जो बहुत कोशिश किया गया निकालने का पर निकला नहीं, तो चलिए नज़दीक से दिखाते हैं आप लोग को। देख सकते हैं यहाँ से भी उतरना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम भी है नीचे उतरने में, जेसीबी पे कहीं का रास्ता नहीं है। तो आज देख सकते हैं पहले जो सूरज उतरने वाला है, दोनों साथ में उतरते हैं। तो आज देख सकते हैं छोटा जेसीबी जो वहाँ पर काम कर रहा है चालू कंडीशन में भी, और ये जेसीबी बड़ा होने के कारण जो पूरा अंदर में धस चुका है। और सूरज जो वीडियो में आना नहीं चाह रहा है, इसका जो सरकार देख सकते हैं ढलाई हो चुका है पूरा। देख सकते हैं आज ये यो कर रहा है, इसका ढलाई हो गया, इसका दिमाग जो थोड़ा हाफ पागल हो गया। ये देख सकते हैं पूरा रास्ता यहाँ का कैसा हो चुका है, उबड़ खाबड़ है। और बीच में जो जगह छोड़ दिया है वो भी जमलाट का है, दलदल। और देख सकते हैं वहाँ पे जेसीबी पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं अभी जो है थोड़ा सा धूप है, बहुत 42 डिग्री टेम्परेचर, तो अभी जो थोड़ा बहुत सूख गया है, पर बीच में जो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देख सकते हैं यहाँ से बच्चा लोग जो है, देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा सब जो कदा उठा रहा है। और ये देख सकते हैं जेसीबी, देख सकते हैं जेसीबी कैसा पूरा अंदर धस चुका है, इसका चैन जो है पूरा अंदर में फंस चुका है जाके। और इसका ड्राइवर जो वहाँ जेसीबी में बैठा हुआ है अभी। तो भाई अभी चलते हैं घर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी जो इसको निकलने में बहुत टाइम है। देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से जो है फंस चुका है जेसीबी अंदर में, और वहाँ जो छोटा जेसीबी है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।